ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की ग्लोइंग म्यूजिक फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए गाइस आप सभी को कुछ बैकग्राउंड पेजेस की जरूरत पड़ेगी, जिसका सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, जिसको कि आप वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना, बट गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना एंड गाइस पूरा देखना, ठीक है। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर गाइज, आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड गाइज, जो मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिसको नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग सिंपली वीडियो देखने वाला जाकर उसको देख लेना एंड जाके अपना सीख लेना गाइज, ठीक है, कैसे बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। देन गाइज, आपको जो मॉडल होगा गाइज, आपको कुछ स्टेप्स ऐसे लगाना गाइज, ठीक है, बैकग्राउंड में। एंड पीछे का जो बीच वाला गिटार है गाइज, वो मतलब आपका हाइड हो जाना चाहिए आपके मॉडल से। फिर बस आपसे वैसे मॉडल को लगाना है। एंड गाइज, उसके बाद आपसे यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। फिर गाइज, आपको यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से आप सभी को एक PNG लेना है गाइज, ठीक है, जो कि ये होगा, ये लाइट का PNG। आपको इसका करना क्या है गाइज, आपको पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है। देन गाइज, आपको ये म्यूजिक के पास जो ये वाला साइड में जो ये गोल सा ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली उसके पास ला के रख देना है कुछ इस टाइप से। एंड गाइज, इसका एक डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद गाइज, आपको सेम चीज़ वही करनी है, इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज करें कुछ इस टाइप से। आपको यहाँ पे अपने इस तरीके से इस जगह पे लगा देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इतना कर देने के बाद गाइज, क्या होगा कि इसका जो इफेक्ट आपके टी शर्ट वगैरह पे भी आ जाएगा, जो भी आपने पहना होगा, तो इससे क्या है कि रियलिस्टिक सा लुक आएगा। देन गाइज, इतना करने के बाद आपसे सिंपली इसको डन करना है। फिर गाइज, जाना आपको यहाँ से दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइज, यहाँ से लेना आपको एक बिगिनर का PNG। इसको लेने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको लेके फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, एंड ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड इससे क्या होगा गाइज, इसके नीचे का जो पार्ट है गाइज, देखिए डार्क है, और ये PNG लगाओगे तो आपका मॉडल भी डार्क हो जाएगा, तो इससे एक रियलिस्टिक से लुक आएगा, ठीक है। फिर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे टूल्स में, फिर जाना आपको एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको जाना है कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट में जाने के बाद थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो सैचुरेशन है गाइस, इसको आपको थोड़ा सा आपको इसको प्लस की तरफ रखना है, ठीक है, ताकि जो मॉडल में भी थोड़ा सा ऑरेंज टोन आ जाए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि अब इसमें करना है हमें कलर करेक्शन, जो कि कलर करेक्शन के बिना तो बिल्कुल फोटो अधूरी है हमारी। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड तो कर लिया लाइट रूम में। अब आप सबको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में। फिर गाइज, आपको उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है कि, ठीक है, अराउंड 12 तक। एंड उसके बाद गाइज, जो उसका हाईलाइट होगा आपको उसको माइनस करना है। एंड जो उसका गाइज शेडो होगा गाइज, आपको इस शेडो को जो आपको देखना है कि गाइज आपका मतलब कि फोटो में जो आपका मॉडल है उसके ऊपर ज़्यादा शेडो तो नहीं है, अगर आप उसमें ज़्यादा शेडो होगी तो आप उसको बढ़ा सकते हो, अदरवाइज कम भी कर सकते हो। फिर वाइट को कम करना है, एंड ब्लैक है जो गाइज इसका, इसको थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपको कलर्स में जाकर आपको उसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है, थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस कर देना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस कर देना है, एंड जो ल्यूमिनस है इसको थोड़ा बढ़ा देना है। फिर गाइस, जाना डार्क ब्लू में, आपको थोड़ा सा इसका ह्यू चेंज करना है, हल्का सा माइनस की तरफ, एंड सैचुरेशन प्लस की तरफ। फिर गाइस, आपको क्या करना है, आपको जाना है इसे येलो कलर में। आप इसका ह्यू चाहो तो गाइस मतलब ऑरेंज में भी रख सकते हो और ग्रीन में भी रख सकते हो, तो बाकी आपके ऊपर है, आप छेड़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस विग्नेट है वो आप डाल देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपको हमें मिलेगा ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर जाना आपको नीचे वाले टूल में, फिर आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, नॉइज रिडक्शन डाल देना है थोड़ा सा, एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस, फाइनली जो हमारी फोटो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से एडिट हो चुकी है, तो आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस, मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।